आखिरी गेंद टॉप स्पिन, मैं चाहता हूँ लॉन्ग ऑन पे खेले। हाँ यहाँ कैच का मौका उछला है, तब से कोशिश कर रहा था मैं, अब यहाँ पे आए तो अच्छी को कुछ बात है। जी हाँ सफल होगा। अब तेरी कैच ड्रॉप किया है, हालत देखो भाई टीम की और तुम कैच ड्रॉप कर रहे हो ऐसे समय पे। नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के आज के मैच, जहां पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मेलबर्न स्टार्स एक दूसरे के सामने भिड़ने वाले हैं। रैंक 9 रैंक 1 की टीम है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, खास करके मेलबर्न यहां पे एक भी मैच हारी नहीं है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या क्वेटा मेलबर्न का जो विजय रथ है उसे रोक पाएगी, इस चार मैचों की जो विनिंग हासिल की है क्या वो रुकेगी, यहाँ पर देखना होगा। टॉस जीता है क्वेटा ने, मैं गेंदबाजी के साथ जा रहा हूं पहले ताकि पता लगे किस तरह से बैटिंग करनी है और देखते हैं क्या गेंदबाजी में कमाल हो पाता है या नहीं। मैडन का चांस, बड़ा शॉट, बीट हुआ है यहां मिड ऑफ का प्लेयर और चार रन लगातार। दूसरी बार ऐसा हुआ कि आखिरी गेंद पे देखा जा रहा है मैडन गई कि नहीं, लेकिन हम अपना वाक्य पूरा करें उससे पहले ही सिंगल लेके मैडन एटलीस्ट नहीं जाने दिया है, रखेंगे ऑफ स्टंप के, लेकिन स्ट्रेट गई है, बैट एंड पैड हुआ है, पहली बार बीट हुए। यहाँ मध्यम गति से रखा है गेंद को, रखा तो बहुत बढ़िया है क्योंकि परफेक्ट जंप था, रिलीज भी परफेक्ट था। सिर्फ एक रन आया था हसनैन की पहली ओवर में। यहाँ पे पहली गेंद को गैप में खेला है फील्डर, यहाँ पे कोशिश जारी है लेकिन नहीं रोक पाएंगे चौका। तेज गेंदबाज पर ही विश्वास दिखाया कप्तान ने एक बार फिर से, पर सही ढंग से शॉट नहीं ले पाई, ये कोई गलत बात नहीं होगी। जहाँ साइड में कोई बदलाव नहीं यहाँ पर, और अपील लेकिन नहीं, ऊपर भी जा रही है और लेग साइड में भी है। हसनैन अपना तीसरा ओवर यहाँ करते हुए, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन ऊंचाई पर है इसलिए नॉट आउट होंगे, बाकी सब कुछ परफेक्ट था। सीधी रखी है गेंद, कोई मूवमेंट नहीं, गैप लेकिन मिल चुका है, लग नहीं रहा था, हाफ पिच खेला था गेंद को और चौक का बैंडन के नाम। अगली गेंद मध्यम गति की और कर शॉट था पावरफुल लेकिन रन ले लिया यहाँ पे क्यों, और थ्रो में भी देरी, रन निकाला है। ऑफ कटर का चांस है, मुझे एज नहीं आया अभी तक एक बार भी, और ये लीजिए जैसे मैंने कहा एज नहीं आई, यहाँ पे स्लिप में से चार रन। स्टैंडर्ड गेंद स्पीड से रखेंगे, एज लगता हुआ चार रन के लिए, क्राउड खुश है लेकिन डाइव लगा के रोका है और तीन रन बचाते हुए। ऑफ साइड से दूर रखेंगे हम लोग, शॉट खेला बढ़िया, चौका, अनएक्सपेक्टेड बाउंड्री। मैंने पहले ही कहा था ये दोनों बल्लेबाज सबसे ज्यादा फॉर्म में इस टूर्नामेंट में, मजा आ गया इसलिए क्योंकि 31 किए थे और 6 रन और कर पाए और आउट हो गए यहाँ पे मेलबर्न स्टार। ज्यादा रन नहीं है, 37 चांस है कि हम लोग लीड चढ़ा सकते हैं पहली इनिंग में, बस बल्लेबाजी सही ढंग से करनी होगी। सेकंड बैटिंग का ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप थोड़े भी रन से पीछे रहते हैं तो फॉलो ऑन हो जाता है और वो मेंटली दबाव बना देता है। पहला रन अभी के लिए बनता हुआ। क्वेटा की गेंदबाजी अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, मैं कह रहा था गेंदबाजी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं सैन वॉटसन के बल्ले से चार रन। सहजाद आते हुए स्ट्राइक पे, बैक फुट पे खेला है शॉट और सनसन आते हुए निकला है चार रनों के लिए दूसरा चौका एक ही ओवर में। फील्डिंग में बदलाव, पॉइंट के प्लेयर को भेजा गया है डीप में, यहाँ पर हाल फिलहाल स्क्वायर लेग पे सिंगल लेते हुए ओवर थ्रो हुआ है और जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि पॉइंट पे प्लेयर को पीछे भेजा गया, यहाँ पे मैं तीन ले रहा हूँ, बेवकूफ़ी लग रही है, डायरेक्ट तो आउट होंगे। ये देखिए बीच में खड़े हुए प्लेयर ने रोक लिया है, किस्मत साथ दे रही है क्वेटा का, किसकी लीड अभी भी है और फिर से एक आइडियल शॉट और इस बार फील्डर होने के बावजूद चार रन जाएगा, ये दिखाता है वॉटसन का पावर। माफी चाहूंगा, वो सहजाद थे शायद जिन्होंने बाउंड्री लगाई थी, वो सहजाद थे, वॉटसन नहीं थे, तो माफी चाहूंगा उस जगह पे। गुस्से में इधर उधर नहीं बल्कि खुशी में इधर उधर हो जाता हूँ मैं थोड़ा बहुत, वो सहजाद थे। जी हाँ बहुत दूर गेंद, मैं यहाँ पे रन ले रहा हूँ, अरे ले लेना था यार, हर बातें वाइड दिया एक्स्ट्रा रन, एक स्लिप तैनात की गई है, इस बार लूंगा मैं रन जो पिछली बार नहीं ले पाया था, ये देख सकते हैं आप, ले लिया है हमने इस बार, पिछली बार कहा था इस बार करके दिखाया है। वाइट बॉल एक बार फिर, दो रन की कोशिश करते हैं अगर आती है गेंद तो, और दो नहीं, जी हाँ दो आएंगे इस बार, लेना है रन चाहे कुछ भी हो। और थ्रो यहाँ पे बच गए हैं बल्लेबाज, चार की लीड अभी भी बनी हुई है और ये देखिए यही मैं कह रहा था, यही है गड़बड़, अंदर स्पिन हो गई गेंद, बाहर के बदले गुगली रखी थी, ऑफ साइड में खेलने गए पॉइंट के ऊपर से,
समझ नहीं पाए अंदर आई गेंद, ऑलरेडी बाहर निकल चुका था बल्ला, आगे जा चुका था बोल्ड होते हुए। स्पिनर को लाने का फैसला सही रहा यहाँ पे मेलबर्न के लिए, और क्यों नंबर वन टीम है वो भी पता लग गया है। इस समय 4 रन से पीछे रहा है क्वेटा ग्लेडिएटर्स, मतलब अब मेलबर्न जितने रन बनाएगी उसमें 4 रन ऐड होंगे। सेकेंड इनिंग की शुरुआत, 2 सबसे सफल ओपनर इस टूर्नामेंट के आते हुए, एवरेज देख सकते हैं आप। अगली गेंद है स्पिन, तेज यॉर्कर स्ट्रेट शॉट, ये जाएगा सीधा बाहर, 1 bounce 2 bounce बाउंड्री। चेज वाला टारगेट मिलने वाला है क्योंकि हम सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अग्रेसिव बैटिंग देखने को मिल रही है मेलबर्न की तरफ से। फर्स्ट में बहुत धीरे, यहाँ पर तेज, एटलीस्ट शुरुआत तो तेज की है कहने में कोई, और देख सकते हैं आप बड़ा शॉट। एक लगता है एहसास हो गया है कि क्वेटा अच्छी टीम है जितना सोचा था उससे। यहाँ पर स्पिनर को बुलाया कप्तान ने इस एक्सपेरिमेंट के रूप में। एक चीज क्लियर है कि अग्रेसिव खेलने वाले हैं मेलबर्न के खिलाड़ी, और आपने स्पिनर को ला दिया है, अब वो और भरपूर रन बनाएंगे। यहाँ पे 2 bounce फिर से बाउंड्री, दूर रह के गेंदबाजी कर रहे एम्पायर से, लेकिन क्या फर्क पड़ता है डंक को, अपना असली रूप अब दिखाया है मेलबर्न के खिलाड़ियों ने। नंबर एक टीम क्यों है, चारों मैच क्यों जीती है देख सकते हैं हम लोग। अगली गेंद आएगी ऑफ ब्रेक अंदर की तरफ, और पहले ही पोजिशन में आ गए थे, बैक टू बैक 3 बाउंड्रिया, स्पिनर की धुलाई हो गई है। यहाँ पे एक आम बॉल रखी है, इस पे भी बड़ा शॉट, डीप में है, डीप में प्लेयर मौजूद भले है लेकिन रोक नहीं पाएगा, 4 बाउंड्रिया बैक टू बैक। इसकी लीड इस समय पहले ही बोल दिया था कि रन के लिए रेडी थे, मतलब कि गैप और 4 रन मिलेगा। तेज यॉर्कर स्टंप के अंदर आने वाली है, उसे पहले ही पढ़ लिया था, कोई गलती नहीं, 4 रन जाएगा फिर से 2 bounce जाके। अग्रेसिव खेल रहे हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं हमारा, एक और चौका। अभी तक की सबसे अग्रेसिव बैटिंग है मैं कह सकता हूँ, एज के साथ भी 4 रन लीजिए बस। पिछली बार बैंटंग के नाम रहा था ओवर, इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार भी, और कितनी आसानी से फ्लिक किया है वो देखिए आप, कलाइयों का यूज, 4 रन और 50 की पार्टनरशिप, यहाँ पे 4 ओवर भी मुश्किल से हुए हैं। आम बॉल रखा है यहाँ पर, स्ट्रेट शॉट, मिड ऑफ पे प्लेयर मौजूद, लेकिन जाने दिया है गेंद को, पता नहीं क्यों जाने दिया है, 4 रन के लिए खुद ब खुद जा रही है गेंद, नहीं पहुंच पाएंगे। कप्तान समझाने आए हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम मैच में, बॉलिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। विकेट के चांस तो अब लग नहीं रहा, अभी तो चौका बचाने की कोशिश जा रही है। यहाँ पे ये 6 जाएगा मैच का, पूरे मैच का ये पहला 6 यहाँ पे। ऑरेंज कैप में हाल फिलहाल इन्हीं दोनों में टक्कर हो रही है लग रहा है, जिस तरह से माहौल है। लीजिए एक और बाउंड्री यहाँ पर, बैंड डंक 47 19 गेंदों में। सामने यॉर्कर का ही मारा चला है, बैट एंड पैड हुआ है यहाँ पे, से जा रहे हैं तेज यॉर्कर के लिए, बड़ा शॉट, फील्डिंग में बदलाव करना पड़ेगा लगता है मेरे को, इस तरह से तो नहीं चलेगा। एक और बाउंड्री और 22 गेंदों में से, पिछली बार 22 गेंदों में 5 या 6 रन थे, यहाँ पे 51 रन। आउटस्विंग आएगा ये गेंद, खड़े खड़े खेल रहा है, फील्डिंग बदलनी होगी, ध्यान से निकल गया था मेरे, अब बदलूंगा फील्डिंग। नए फील्डिंग सेटअप में सिर्फ 38 को बीट करना होगा ऑफ साइड और लेग साइड में, और बाउंड्री अपने आप जाएगी। 4 रन देख सकते हैं आप, जो मैं कह रहा था वैसा ही किया है। मैं चाहता हूँ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे शॉट खेले हैं, लेकिन इस बार लेग साइड पे 6 रन, फिर नया फील्डिंग सेटअप देखना पड़ रहा है बैक टू बैक इस बार, लेकिन ऑफ साइड पे कर दिया, लेग साइड पे रखा था हमने फील्डिंग सेटअप, ऑफ साइड में शॉट। एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव लगातार कप्तान, और रे कैच ड्रॉप कर दिए सरफराज ने, ये लो ऑलरेडी हालत खराब है, ऊपर से कैच ड्रॉप सरफराज की तरफ से। मैच आखिरी गेंद, टॉप स्पिन, मैं चाहता हूँ लॉन्ग ऑन पे खेले, हाँ यहाँ कैच का मौका उछला है, तब से कोशिश कर रहा था मैं, अब यहाँ पे आए तो अच्छी को कुछ बात है। जी हाँ सफल होगा, अब तेरी कैच ड्रॉप किया है, हालत देखो भाई टीम की, और तुम कैच ड्रॉप कर रहे हो ऐसे समय पे, ये तो पहली बार हुआ है, 2-2 कैच ड्रॉप यहाँ पे हाल फिलहाल बीट, लेकिन 2 कैच ड्रॉप आप कहाँ से जीतने की उम्मीद रखोगे, दुखी अब हो रहे हैं, दुखी पहले होना चाहिए था। गेंद दबाव बना है थोड़ा बहुत, लेकिन एज गैप 4 रन, इस बार एज नहीं कहूंगा मैं, चौका मारा है तेज यॉर्कर फिर से एक बार, इस बार तो बहुत पावरफुल हिट है, फील्डर होने के बावजूद 4 रन जाएगा। टूर्नामेंट की नंबर एक टीम क्यों है ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने है आपके रिजल्ट, एज और 4 रन यहाँ पर, गुड लेंथ से, और ये लीजिए
हम लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सोच रहे थे, यहाँ पर तो लेग साइड में मार दिया है 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। कप्तान क्या समझाएंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें खुद समझने की जरूरत थी। देखते कप्तान के समझाने के बाद कुछ असर होता है या फिर जो हाल थे वैसे ही बने हुए हैं। एक और चौका, मैं फिर से ही चाहूँगा कि सामने की तरफ बड़े शॉट खेलें, लेकिन बहुत दिमाग है यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। हालात ये कि किसी तरह मैं चाहता हूँ गेंदबाजी खत्म हो, हार जीत तो दूर की बात है। ये लीजिए एक और चौका, स्पिन इनपुट भी लेट था, रिलीज भी लेट था। चौथा ओवर पूरा नहीं हुआ, 60 रन दे चुके, ये अच्छी गेंद है। अरे बाप रे, अच्छी गेंद पर भी यहाँ पर तो चौका पड़ रहा है। चौकों की हैट्रिक कॉमन हो गई इस इनिंग में। यहाँ पे देखिए ये भी गैप, फील्डर यहाँ पर रोक सकता है, मुझे विश्वास है इस पर। 2 रन तो ले लिए और 3 लेते हुए यहाँ पर लाजवाब बैटिंग यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स की, नंबर 1 टीम इस टूर्नामेंट की। और 50 यहाँ पर 17 गेंदों में स्टॉनिस ने अपने पार्टनर से भी तेज। सोहिल तनवीर के भी हालत ख़राब है तो स्पिनर तेज गेंदबाज, पिटाई स्पिनर जैसी हुई और शुरुआत भी पिटाई से ही हुई। आखिरी ओवर है इनका, साइड चेंज किया है, 11 गेंदे बाकी है, एज लगा है यहाँ पे। स्टॉइनिस छोड़ने वाले तो नहीं है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए दोनों भाई साहब ने स्लिप मैच, ओवर गेंद एक तेज एक स्लोवर, एक तेज एक स्लोवर, और तीनों गेंदे बहुत बढ़िया डाली है। स्पीड के साथ एक्सपेरिमेंट सफल यहाँ पे तेज यॉर्कर रखते हुए, और ये भी एज, लेकिन इस बार एज रहेगी मेलबर्न के साथ 4 रन। मध्यम गति यॉर्कर एक बार फिर, और इस बार तो तैयार थे, बैट का फेज ओपन किया था, फील्डर छू भी नहीं पाया गेंद को। 4 रन, 2 बैक टू बैक। ऑटो प्ले में क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हालत ख़राब हमारी कर दी। ऑटो प्ले में तो दम जम के पिटाई करेगी। 2 मौके मिले थे, लेकिन ठीक है यार, मौके कभी कभी तो बनेंगे। क्या शॉट खेला है, ज़बरदस्त चौके से शुरुआत की थी, फील्डर यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2 रन हो गया यहाँ पे, 1 ही था एक्स्ट्रा मिला है यहाँ पे 1 रन, और थ्रो का भी कुछ ठिकाना नहीं। उम्मीद हारते हुए क्वेटा के प्लेयर्स, अगली गेंद रखी है ऑफ ब्रेक, गैप ना मिले बस वो देखना है, लेकिन रन ले रहे, फील्डर ढीले लग रहे हैं, उनकी रनिंग देखिए कितना धीरे दौड़ रहे हैं यहाँ पे। मैं फुल स्पीड से दौड़ा रहा हूँ तो भी ये हाल है। यहाँ पे वापस भेजा, तीसरे की कोशिश थी और हो भी जाता अगर लेते तो। 85 पे और 163 पे खेल रहे हैं, आखिरी गेंद, ऑटो प्ले आएगा इसके बाद, और अभी 152 की लीड है। पता नहीं ऑटो प्ले हमारे साथ कितना अन्याय करेगा, कितना अनफेयर होगा, देखते हैं। उम्मीद से तो बेहतर ही रहा है, उम्मीद से बेहतर क्या कहूँ, यहाँ पर 6 ओवर इन्होंने खेली है लेकिन हालत हमारी पूरी खराब कर ली है। 278 रन मारे, कितना जम के पीटा है, दोनों की सेंचुरी नहीं हुई थी, दोनों ने सेंचुरी की, और ये 6 ओवर की गैप में ही किया ये सारा का सारा। 157 पे पहुंच गए जो 83 पे थे, जो 63 पे थे वो 121 पे पहुंच गए। बाप रे, 278 रन, 282 का टारगेट है, और हमारे पास 10 ओवर ही मेन है। डेली स्टेन गेंदबाजी में मैं अग्रेसिव खेलूं तो क्या होगा, मैं वो देखना चाहता हूं। यहां पर अभी के लिए तो सिंगल लिया है, क्योंकि गेंद ऑफ साइड में आई थी, लेग साइड में आती तो मारता जरूर। लेग साइड की गेंद का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यहां पर, लेकिन अच्छी बात है कि कीपर से दूर रही है, फील्डर को भी थोड़ा वक्त लगा, मैं तीसरा दौड़ा दिया है और ले लेंगे रन। अब वहाँ गेंदबाज की तरफ ना आए थ्रो, जी हाँ लेट किया थ्रो, रिएक्शन बहुत लेट रिस्पॉन्स। शहजाद यहाँ पे 9 बॉल है और एक्स्ट्रा रन, यहाँ 9 ओवर और है। यहाँ पे अच्छा शॉट, लेकिन देखिए बदकिस्मत है, यहाँ पर बॉलर की तरफ देते तो आउट भी होते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया स्टॉप कीपर का, विनर के खिलाफ तो अग्रेसिव ही खेलेंगे हम लोग। ये बेहतर है, ये बेहतर शॉट, काफ़ी ख़राब गेंदे खेली उसके बाद ये शॉट ने आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया होगा बल्लेबाज का। तैयार है बड़े शॉट के लिए, और अरे ग्राउंड शॉट कैसे चला गया, गैप में गया, ये अच्छी बात है, और चौका मिलेगा यहाँ पर, नहीं रोक लिया है, 3 रन तो लेंगे ही हम लोग। थ्रो अच्छी आएगी तो आउट भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं पहुंच गए, खेलना अग्रेसिव ही है, और उसी में एक यहाँ पे लगा है 6 रन यहाँ पे। लेग साइड पे आएगी, कहाँ पे पकड़ा, एकदम बच गए, पता नहीं कैसे बच गए। DRS लेंगे मुझे लग रहा है इस बार, इंपैक्ट शायद ऑफसाइड है, खेलेंगे तो बड़े शॉट ही, और रिजल्ट है यहाँ पे 4 रन के रूप में। सैन वॉटसन बेहतर बेहतर बेहतर, गैप में भी है, 4 रन भी जाएगा, ऊंचा भी है,
बैक साइड पे गेंद आएगी तो यही होगा, ये मैं पहले ही बता दूं, इसमें बैट्समैन की गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, गेंद आएगी तो मारेंगे ही हम लोग। फील्डिंग बदल दी गई है लेकिन हम नहीं, अरे रे रे रे, हाँ सही है, बच गए चार रन लेकिन मिला है यहाँ पे। थोड़ा फील्डिंग बदल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रन तो बनाएंगे हम लोग। मैंने पहले कहा अग्रेसिव ही खेलने वाला हूँ मैं, चार रन एक और, 50 की पार्टनरशिप हमने भी की है, मुंह तोड़ जवाब, उंगलियां अग्रेसिव शॉट पे हैं, लेकिन नहीं इस बार पैरों पे लगी है। 52 हुआ स्कोर, मैंने रन दौड़ाया था, ये गलती की थी, थोड़ा सा लेग साइड कवर किया है, बीट कराया तीन गेंदे, चलिए थोड़ा ऑफ साइड में भी खेल लेते हैं अग्रेसिव। नहीं, अरे रे, बहुत बढ़िया गेंद स्पिनर की, लाजवाब वापसी। सहजाद यहाँ सामना कर रहे हैं और गैप मिला ही नहीं इस बार, चार रन जाएगा इस बार भी, बढ़िया बैटिंग यहाँ पे। शॉट अग्रेसिव खेलूंगा अगर आया तो, और आया है और हमने खेला भी है, क्योंकि गैप मुझे दिख रहा है यार साफ साफ, और यही रीजन है अग्रेसिव खेलने का, रोक ले चार रन, नहीं रोक नहीं, बोलिया अग्रेसिव शॉट पे ही है, लेकिन गेंद जो आई है वो, लेकिन उसके बावजूद भी खेल लिया है और बेहतर खेला है, पहले से भी बेहतर शॉट, चार रन एक बार फिर, लगता है पिचिंग बैटिंग वाली हो गई, हमने भी पीटा है तब समझाने आए मैक्सवेल। ये अच्छा है कि आपने फील्डिंग सेटअप ही चेंज कर दिया, अब हम लोग अपनी तरफ से कोशिश तो, अरे रे रन आउट मत हो ना, अरे यार क्या है, रन आउट हमारी सबसे बड़ी, पूरी मेहनत पे पानी फेरता है। 214 की लीड जीत है मेलबर्न की और नंबर एक पे जगह और मजबूत बनाएगी। किसी एंगल से मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा कीपर पहली बार तो गेंद पकड़ पाएगा, ये मुझे डाउट था, ऊपर से थ्रो भी परफेक्ट मारेगा ये नहीं सोचा था। 214 ने इतना बढ़िया खेल रहे थे हम लोग, 24 में 41, 14 में 22, सहजाद भी फॉर्म में आ गए थे, लेकिन नहीं हो पाया फिनिश एक बार फिर। यहाँ पे बराबरी पे रही थी दोनों टीमें पहली इनिंग में, लेकिन दूसरी इनिंग में मेलबर्न ने दिखा दिया कि क्यों नंबर एक की टीम है वो। टेबल यही है आपके सामने, मेलबर्न 5-5 जीत के साथ एक पे, ट्राइडेंट ठीक उसके नीचे चार में, ट्राइडेंट ठीक उसके नीचे चार में चार जीत के साथ, और इंडिया नंबर तीन, इंग्लैंड नंबर चार पे, बाकी की रैंकिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। कल का मैच होने वाला है अमेजोन वॉरियर्स और ढाका डायनामाइट्स के बीच में, रैंक 5 की टीम, रैंक 13 की टीम, अमेजोन के पास मौका है वापस से टॉप 4 में जगह बनाने का, ढाका चाहेगी जीते एक बार, कम से कम रिदम पकड़ ले जीत की और फिर कोशिश करेगी टॉप 4 में आने की। अभी के लिए लेना होगा विदा, आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।